मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। एक तरफ तो इसराइल के हमले लगातार गाजा और लेबनान पर हो रहे हैं, दूसरी ओर ईरान और इसराइल के बीच तनाव चरम पर है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका इसराइल को चेतावनी दे डाली है। इसराइल के हमले के बाद ईरान बदले की आग में खौल रहा है। ईरान के हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इसराइल पर पलटवार का ऑर्डर कब देने वाले हैं। इसराइल को करारा जवाब देने के लिए सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। इजरायली सेना के हमले के बाद ईरान ने उसे दांत तोड़ने वाली प्रतिक्रिया देने के बाद कही। ये बयान लेबनान में इजरायली कमांडो की कार्रवाई और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले आया। उधर अमेरिका ने खुलेआम इसराइल का समर्थन शुरू किया है। खामेनेई ने कहा कि दुश्मनों खासकर अमेरिका और इसराइल को ये बात पता होनी चाहिए कि उन्हें निश्चित रूप से दांत तोड़ने वाली प्रतिक्रिया मिलेगी, यानी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हिजबुल्ला और हमास का जिक्र करते हुए ईरानी लीडर ने कहा कि हम हर तरह के जवाब देंगे। लेबनान में इसराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए। इसमें लगभग 2000 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि हिजबुल्ला ने इसराइली क्षेत्र में रॉकेट दागे जिसमें हाइफा और तेल अवीव के पास सैन्य स्थानों पर हमले भी शामिल हैं। जवाब में अमेरिका ने ईरान की ओर से आगे की आक्रामकता को रोकने की उम्मीद में इस क्षेत्र में B-52 बम वर्षक तैनात किए हैं। इसराइल के साथ तनाव को हवा देते हुए खामेनेई के एक शीर्ष सलाहकार कमाल खराजी ने ईरान की परमाणु क्षमता का भी जिक्र किया। खराजी ने कहा कि अगर हमें थोड़ा भी खतरा हुआ तो हम अपनी परमाणु नीति पर पुनः विचार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि अस्तित्व के लिए हमें कोई खतरा हुआ तो हम अपने परमाणु सिद्धांत को संशोधित करेंगे। हमारे पास हथियार बनाने की क्षमता है और इस संबंध में कोई समस्या नहीं है। हाल ही में ईरान इसराइल के बीच टकराव की शुरुआत 1 अक्टूबर को तब हुई जब ईरान ने कई मिसाइल हमले किए। इसके बाद इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल के इस हमलों में कई ईरानी सैनिक मारे गए। दूसरी ओर हमास के जंग के बीच गाजा में हालात बिगड़ते गए। WHO ने बताया कि उत्तरी गाजा में पोलियो टीकाकरण केंद्र पर मिसाइल हमले में 4 बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।